दोस्तों कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और हम यहां पर करने वाले हैं आज रेडमी 9 पावर वर्सेस पोको M3 का कंप्लीट कैमरा टेस्ट। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं सबसे पहले पोको M3 की, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें दोस्तों आपको यहां पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको यहां पर Redmi 9 Power में देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो आपको यहां पर Poco M3 में देखने को नहीं मिलता है। बाकी सब कुछ यहां पर सेम है। दोस्तों ये जो आप वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Redmi 9 Power से। और दोस्तों ये यहाँ पर 1080p 30fps पर रिकॉर्ड हो रही है। इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। और जब अभी मेरे पास ये फ़ोन है, अपडेट के बाद क्या पता आ जाए। इसमें दोस्तों EIS आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में भी और बैक में भी। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है वीडियो में। काफ़ी अच्छी यहाँ पर एडजस्टमेंट ये लाइट की कर लेता है। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको M3 के बैक कैमरे से। और इसमें भी दोस्तों 1080p पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर EIS की, इसमें भी आपको दोस्तों EIS देखने को मिल जाता है। लेकिन स्टेबिलिटी दोस्तों इस फ़ोन की थोड़ी यहाँ पर आपको बेकार देखने को मिल जाएगी बैक कैमरा में। और बात करें दोस्तों डायनेमिक रेंज की, तो वो भी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। लेकिन हाँ, आपको ठीक ठाक यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्राइस के हिसाब से। और अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊँ 5x तक, तो कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और वैसे इसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अब यहाँ पर शुरू करते हैं ह्यूमन शॉट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राइट साइड में पोको M3 है, वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर ज़्यादा लेकर चलता है। और लेकिन दोस्तों जो फेस है, वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा Redmi 9 Power में। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। बात करें यहाँ पर दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट की, तो पोर्ट्रेट शॉट में आप देख सकते हैं जो ब्लर है, वो काफ़ी सही दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं Redmi 9 Power और Poco M3 में 48 मेगापिक्सल वाला शॉट यहाँ पर काफ़ी सही दोनों ही फ़ोन में आ जाता है। डायनेमिक रेंज यहाँ पर दोस्तों दोनों ही फ़ोन की सिमिलर है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अब हम अगर आपको फ्लावर की यहाँ पर पिक्चर लेनी है, तो पोको M3 में यहाँ पर कलर थोड़े बूस्ट हो जाते हैं। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा ज़्यादा है। और दोस्तों नेचुरल यहाँ पर Redmi 9 Power क्लिक कर लेता है। बात करें यहाँ पर दोस्तों डेप्थ फ़ोटो में, जो आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, उसमें दोस्तों आप दोनों ही फ़ोन दोस्तों सिमिलर है। बट अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लेवल पोको M3 में ज़्यादा ही आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस वाले सैंपल की, तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली Redmi 9 Power में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसकी वजह से दोस्तों पोको M3 से यहाँ पर बढ़त मिल जाती है किसको, Redmi 9 Power को। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों ये है, और पोको M3 में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें दोस्तों अगर इनडोर शॉट लो आप थोड़ी, जब यहाँ पर कम लाइट है आप देख सकते हैं। और दोनों ही फ़ोन यहाँ पर बेकार सा काम करेंगे, मैं कहूँगा डिसेंट है। 10,000 रुपये में आपको इससे ऊपर देखने को मिल जाएगा, क्या पता ना भी मिले। बात करें दोस्तों नाइट मोड की, तो नाइट मोड में डेफिनेटली यहाँ पर Redmi 9 Power थोड़ा अच्छा यहाँ पर काम करता है। लेकिन Poco M3 की अगर आप बात करें, तो वो भी यहाँ पर ठीक ठाक काम कर लेता है। ये यहाँ पर और 48 मेगापिक्सल से लिए गए शॉट है। इसमें आप देख सकते हैं Poco M3 में अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा है। और आप स्काई का कलर देखो या बिल्डिंग्स का, तो आपको दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर समझ आ जाएगा। और सेल्फ़ी की बात करें, तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोनों ही फ़ोन में। तो ज़्यादा दोस्तों एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा डिसेंट है। लेकिन बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में दोस्तों ब्लर आउट हो चुका है। तो क्या बोले दोस्तों, और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो फोकस है दोस्तों फेस पे, वो दोनों ही फ़ोन में काफ़ी सही है। यहाँ पर बात करें दोस्तों Redmi 9 Power की, तो हल्का यहाँ पर रेडिश टोन आपको देखने को मिलेगी, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। तो थोड़ा नेचुरल से दोस्तों हट के ये यहाँ पर निकल जाता है सेल्फी के मामले में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना।